जब होती है कन्वेंशनली क्या होता था कि सारा कुछ जब ओपन आप एरिया में करते हो, जो नेचुरल कंडीशन में आप करते हो, तो टाइम लगता है। जैसे आपकी रबी की जो फसल है उसकी हार्वेस्ट हो जाती है, और खरीफ की जब सोइंग से पहले काफ़ी वक्त बीच में बचता था, काफ़ी देर तक ज़मीन जो है वो खाली रहती है, तो वक्त भी जाता था और वो अंडर यूटिलाइज जो पोटेंशियल रहता था हमारी ज़मीन का, हमारे लैंड जो हमें प्रोड्यूस दे सकती है। जब हम ये टेक्नोलॉजी की मदद देते हैं, इसकी पॉली हाउस जिसको हम कहते हैं, शेड नेट के अंदर सीडलिंग टाइम पे तैयार हो जाती है, जल्दी तैयार हो जाती है। मुझे बताया गया कि ये इसमें कोई 28 दिन में ये तैयार हो जाता है, तो ये इससे वक्त बचता है और ट्रेडिशनल जो है एक जो बेनिफिट तो है ही इसका, इनकम का। इसमें हम चाहते हैं कि ये इस तरह के पॉली हाउसेज जो हमारे प्रॉक्सी फार्मर जो आज जिनको बुलाया गया है, ये पर्टिकुलर जो ये प्रोजेक्ट जो हमारे डिपार्टमेंट हुए हैं बाढ़ जोन में और ये फला मंडाल एरिया में, मैनेजर तजिंदर सिंह जी ने किया है और कुलदीप शर्मा जी जो मुझे बताया गया है, और हमारे और भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स को ब्रोकली लगा रहे हैं, लेटस लगा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ऑलरेडी है। तो हम चाहते हैं कि ये मोमेंटम पकड़े और ये चीज़ रेप्लिकेट हो। हमारे पास जैसे सी ओ साहब बता रहे थे कि बहुत सी स्कीम्स हैं। अब स्कीम में क्या होता है कि स्कीम्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट होते हैं। जब हमारे फार्मर को पता होगा कि हमें किस चीज़ का फ़ायदा है, वो जो सब्ज़ी उगाने में जो है वो बेनिफिट ज़्यादा है, तो हमारे फार्मर और से और किस ओर आएंगे। हमें फार्मर की तरफ से डिमांड आएगी कि हम मुझे पॉली हाउस दे दो, एक वो सब्ज़ी उगा के बेचेगा, साथ ही साथ वो सीडलिंग भी जो है वो बेच सकता है, एडिशनल बेनिफिट है। जब हमें पॉली हाउसेज की शेड नेट की डिमांड आएगी, हम अपनी स्कीमों में भी वही रखेंगे। इस तरह क्या होता है कि एनुअल बेसिस पे हमें एलोकेशन, फाइनेंशियल एलोकेशन आ जाती है स्कीमों में, और हम यहाँ दफ्तर में बैठ के कई दफ़ा रख लेते हैं जी, चलो जी थोड़ा ये रख लो, थोड़ा ये रख लो, थोड़ा ये रख लो। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे इस एरिया की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, कठुआ की या सांबा की या डोडा की या उधमपुर की ये डिमांड है, तो हम अकॉर्डिंगली अपने प्लान को भी वैसे बनाएं। अभी जो 19-20 के जो प्लान हैं ऑलमोस्ट हमने फाइनल किए हुए हैं, हमने काफ़ी कोशिश की है इस तरह की इंटरवेंशन को बढ़ावा देने के लिए, वो हमने इनकॉर्पोरेट की है, लेकिन वो कोई क्लोज एंडेड नहीं है वो प्लान। अगर हम अपना प्लान समझ लीजिए, अभी अब एक क्वार्टर को हमने खो दिया, तो सेकंड क्वार्टर में हम हैं, तो सेकंड क्वार्टर में अगर हम अपना क्या कर लेते हैं, हम एडिशनल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ही की तरफ से कोई डिमांड आती है, हमारे आप उत्तर फील्ड में हैं, आप इसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारी जैसे एक्सटेंशन एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती है, मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे ये लोग मिलते हैं आपके साथ। जैसे सी ओ साहब कह रहे थे कि अब हम आपसे लगातार मिलेंगे, अब हम फील्ड में आएंगे, आपसे जब बात होगी तो जो डिमांड एक्चुअल हम सब्सिक्वेंटली भी वो इस तरह के प्रोजेक्ट बना के ज़्यादा से ज़्यादा उसको